A very good morning to all students. Our today's topic is potential difference. Students, हम potential difference की direct definition देने से पहले कुछ examples के through इसका concept समझाना चाहूंगी, क्योंकि जब तक आप concept नहीं समझेंगे तो आपको सिर्फ definition क्या करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी. Let us take some example. Students, मान लो हमारे पास दो bodies हैं, body A एंड बॉडी बी. जो बॉडी ए है वो क्या है, हायर टेम्परेचर पे है, एंड बॉडी बी किस पे है, लोअर टेम्परेचर पे. तो स्टूडेंट्स, जो हीट है हमारी कहां से कहां फ्लो करेगी, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे. अगर मैं इन दोनों बॉडीज को क्या कर दूं, मिलाकर रख दूं, कॉन्टेक्ट में रख दूं, मिलाकर रखू तो आपकी हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर वाली बॉडी, मीन्स बॉडी ए से बॉडी बी पे. कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इफ वी हैव टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, हीट फॉलोज फ्रॉम बॉडी ए विच इज इज हायर टेम्परेचर टू द बॉडी बी एट लोअर टेम्परेचर टिल बोथ द बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर. ओके स्टूडेंट्स, अनदर एग्जाम्पल इज, अगर हमारे पास दो वेसल्स हैं या दो बीकर हैं, कुछ भी हैं, जिनमें पानी है, और हमारी एक वेसल क्या है, हाई हाइट पे है और दूसरी लो हाइट पे है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चे, हायर हाइट से लोअर हाइट पे. सो वी कैन से दैट इफ यू हैव टू वेसल्स, वन इज एट हायर हाइट एंड अनदर इज एट लोअर हाइट, द वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई हाइट टू लो हाइट. इसी एग्जाम्पल को हम अनदर वे से बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो वेसल्स हैं. अगर हमारे पास दो वेसल्स हैं, एक में जो वाटर है क्या है, हायर लेवल तक फिल है, और सेकेंड या फिर कह लो बी वेसल में जो वाटर है क्या है, बहुत ही कम है, लोअर लेवल तक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे, हमारा वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, जिस वेसल में वाटर क्या है, हायर लेवल तक फिल है, उससे क्या करेगा, लोअर लेवल वाली में फ्लो करेगा वाटर. कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता वाटर लेवल दोनों में सेम. सो वी कैन से दैट इफ वी हैव टू वेसल, वेसल ए एंड वेसल बी, वेसल ए कंटेनिंग वाटर अप टू ए हायर लेवल एंड अनदर वेसल बी कंटेनिंग वाटर टू ए लोअर लेवल, द वाटर फ्लो फ्रॉम वेसल ए विच इज एट हायर लेवल टू वेसल बी विच इज एट lower level till water will flow until and unless the level of water is same in both vessels. वो रीजन अलग है कि क्यों फ्लो कर रहा है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. हमें उसमें गैप में नहीं जाना, हमें क्या देखना है कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से लोअर लेवल तक. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इन तीन एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जब भी हमारी कोई चीज फ्लो कर रही है, यहाँ पे हायर से कहां पे कर रही है, लोअर में फ्लो कर रही है. सो स्टूडेंट्स, वी सी एनीथिंग दैट फ्लोस फॉलो इट रिक्वायर अ डिफरेंस फॉर फॉलो, लाइक हीट रिक्वायर टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लो ऑफ वाटर रिक्वायर हाइट डिफरेंस और लेवल डिफरेंस. अभी हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट की. फ्लो ऑफ करंट को क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट फ्लो ऑफ करंट वी रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस. इफ देर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट विल फ्लो, अदरवाइज करंट विल नॉट फॉलो. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, करंट विल नॉट फॉलो. लाइक सिमिलरली इन द अबव एग्जाम्पल्स, इफ द टेम्परेचर इज सेम बिटवीन टू बॉडीज, हीट विल नॉट फॉलो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. और वी कैन से दैट इफ द हाइट ऑफ विल सेम, द वाटर विल नॉट फॉलो. सो स्टूडेंट्स, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने के लिए एक नई टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर रही हूं, जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मीन्स यूनिट पॉजिटिव मतलब वन कूलम चार्ज. कूलम क्या है, यूनिट है चार्ज की, तो प्लस वन कूलम. ओके स्टूडेंट्स, मान लो हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. हमने माना कि हमारे पास क्या है, प्लस वन कूलम, या कह लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, किसी पॉइंट ए पे है. और हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां पे लेके जाना है, पॉइंट
बी पे लेकर जाना है। तो बी पर लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगी यहां पे, या बी तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पुश करूंगी या कह दो हम फोर्स लगाएंगे इस पर, क्या करेंगे जो हमारा चार्ज है इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको पता है वहां क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होगी वहां पर स्टूडेंट। जैसे ही मैं किसी चीज पे फोर्स लगाऊंगी, मान लो आप पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो क्या करोगे आप अपनी पोजिशन चेंज करोगे, यही होगा। अगर मैं आपको पुश कर रही हूँ तो आप क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, आप कोई डिस्टेंस कवर करोगे। एग्जैक्ट मीनिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको जब चैप्टर होगा तब समझाया जाएगा। तो क्या होगा, आप अपनी पोजिशन हिलोगे वहां से, आगे खिसक जाओगे जब आपको पुश करूंगी। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने हमारे चार्ज ए पर, सॉरी चार्ज प्लस वन कूलम पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के क्या कारण क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी। और मींस, और आपको पता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मैंने फोर्स लगाया कहीं पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या होता है मींस वर्क डन, मतलब कि मैंने इस चार्ज पर फोर्स लगाया और यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई, मींस कि मैंने इस चार्ज पे क्या किया, कुछ वर्क किया। यही है स्टूडेंट कि मैंने इस प्लस वन कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए कुछ क्या किया, वर्क किया यहां पे, या मैं कह सकती हूं मैंने कुछ एनर्जी क्या की इस चार्ज पे स्पेंड की। सो स्टूडेंट्स, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलर मैनर में हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर जो हमारा वर्क डन हुआ इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वी विल कॉल दैट इफ वी टेक वन कूलम चार्ज, मूव इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। So we can write down. So students, work done in moving one coulomb charge from A to B equal to potential difference between A and B. अगर मैं आपको बहुत ही easy example देना चाहूँ, अगर मैं आपको कहूँ what is the potential difference between me and you, तो क्या होगा आपके और मेरे बीच में potential difference? अगर मैं one coulomb का charge लूँ और उसे क्या करूँ, move करूँ कहाँ से, मेरे पास से आपके पास तक, तो स्टूडेंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट आई विल डू इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जो वर्क डन मैंने किया मेरे पास से वन कूलम चार्ज को आपके पास तक पहुंचाने के लिए, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इफ एनीबडी आस्क मी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, हम इजली क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्या होता है, डिफरेंस, और पोटेंशियल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वी से। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर चार्ज, यही होगा, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑन वन कूलम चार्ज, और वी कैन से दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप कुछ भी कह सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन वन कूलम चार्ज, वर्क डन पर चार्ज, यही होगा। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज। सो स्टूडेंट्स, वर्क डन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, W से, और चार्ज को Q से डोनेट किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन में Q। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट बहुत सारी बुक में यहाँ डेल्टा V की जगह सिर्फ V दिया होता है, तो ये मत करना कि आप ये बोलो कि मैम डेल्टा V हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि डिफरेंस के लिए हम डेल्टा लिख देते हैं, तो आप सिंपल भी इसको लिख सकते हो कि V इक्वल टू W अपॉन में Q। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, यूनिट क्या होगी, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम।
मीन्स यूनिट क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हमने एक नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोल्ट. सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. सो स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए डिफाइन वन वोल्ट, हाउ कैन यू डिफाइन वन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी वन वोल्ट इफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, ट्रांसफरिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज वन जूल. आप कब कहते हो कि वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, जब आप वन कूलम के चार्ज को क्या करते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाते हो, और जो वर्क डन होता है वो कितना होता है उस टाइम, वन जूल. उसको हम क्या नाम देते हैं, वन वोल्ट. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स इफ वी गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हमारे पास वन कूलम का कोई चार्ज है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो हम क्या लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और V क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, मींस जो पोटेंशियल की दोनों की पोटेंशियल में जो डिफरेंस था A और B की पोटेंशियल में. और आपको पता है डिफरेंस जब भी निकालना हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. आप किसी भी चीज में चेंज निकालना चाहते हो तो चेंज निकालने के लिए हम यूज करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. तो हमारा जो वन कूलम चार्ज था वो A से B पर गया है, तो फाइनल क्या है, B, और इनिशियल क्या है, A. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए. तो हम इसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन में क्यू. ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका यहीं पे ओवर नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड हम कुछ और बातें करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स.